लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के हजारों मजदूर अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि जिले के पारा गांव सहित आसपास के 300 परिवार के सदस्य तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में फंसे हुए हैं। ये लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि देश व प्रदेश के गरीब मजदूर खाने कमाने अपने परिवार के साथ दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके थे, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते कई लाख दिहाड़ी मजदूर भी फंस गए हैं। कई लोग तो जान हथेली पर रखकर हजारों किलोमीटर से आने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर पैदल आ रहे हैं। लोगों के लिए खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं। बुजुर्गों का हाल बेहाल हो गया है। पीड़ितों ने ग्राम बेलगांव निवासी व युवा जनता जोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमर गोस्वामी का वीडियो भेजकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मदद की गुहार लगाई है। जब अमर गोस्वामी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिले के पीड़ित लोग हैदराबाद में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवेदन है कि ऐसे लोगों की मदद करें। उन्होंने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला में दूसरे राज्यों के मजदूरों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार और यहाँ के नागरिक उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ दूसरे राज्यों में सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है, जो निंदनीय है। छत्तीसगढ़ से संवाददाता सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से दिहाड़ी मजदूर आज हैदराबाद में फंसे हुए हैं और ना वहाँ की सरकार उनकी पूछ परख कर रही है और ना ही उनको राशन मुहैया हो रहा है। आज लॉकडाउन के चलते हमारे छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट के लोग आए हुए हैं, उनकी सेवा हमारी राष्ट्रीय पार्टी, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ की सरकार भली भांति उनकी सेवा कर रही है। किंतु जिस हिसाब से हैदराबाद में हमारे राजनांदगांव जिले के जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी तेलंगाना सरकार किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर रही है, इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो दिहाड़ी मजदूर हमारे राजनांदगांव जिले से गए हुए हैं उनको वापस लाए, और अगर वापस लाने की कोई सुविधा ना हो रही हो तो कम से कम उन्हें राशन मुहैया कराए, यही मेरी विनती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। अपार्टमेंट में तो यहाँ काम धंधा सब बंद हो गए लॉकडाउन की वजह से, और तो इन्हें कई जन अधिकारी मतलब बोले कि चावल राशन देते हुए तो भैया इन्हें कोई कोशिश करो, तो यहाँ कोई मतलब अधिकारी मन आते कई जन आते और मतलब इन्हें न चार हफ्ता हो गए भी नहीं है, काम धंधा सब बंद है। सरकार बोला थे कि घर में रहो, जहाँ वहाँ रुको बोला थे, तो काला खा कर रही वो मदद करी बोला, कुछ तो मदद नहीं करा थी सरकार है। काम धंधा भी बंद है, सब चीज बंद है, एक प्रकार के मतलब हमन फंसे असन हो गए हैं। तो सरकार से अनुरोध है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से भूपेश बघेल से कि भाई कोई सुविधा दे या तो फिर राशन पानी कहीं व्यवस्था करे, घर जाए हमला साधन करे, घर जाबू हमार कितना दिल है भूखे रह रहे। यहाँ के अधिकारी मन बार बार यानी तीन बार चार बार मतलब ना आधार कार्ड नंबर ये सब चीज मांगते, देवो के साधन करा थे, पुत्र तो देते नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं देते, ले लेते फिर देत कुछ नहीं है। कितना दिन हो गए, चार हफ्ता से तो बैठे हैं घर में। पहली लॉकडाउन हुई तब हो इन्हें दस्खत वस्खत लेके लेगी, सोकरो कहीं नहीं हुई। फिर दूसरा लॉकडाउन में भी तीन चार बार मांग रही आधार कार्ड मोबाइल नंबर, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी पहुँचे नहीं, ऐसने में तो हम नहीं यहाँ फंस जब होकर से भूपेश बघेल से अनुरोध है कि भैया ने भूपेश बघेल है कम से कम हमारे जायज साधन तो करे, यही कहा था मैं छत्तीसगढ़ सरकार से। नजदीक से करो, नजदीक से आवाज आनी चाहिए, तो जोर बोलो जोर। भाई बाहर गए कमाए हुए तो भाई उमर तकलीफ पात है, तो भाई ओकर ले कुछ लाने के लिए व्यवस्था होना, दाल चावल नहीं मिला थे, खर्च पानी नहीं मिला थे, हम कैसे जीवन करेंगे। तो भाई मुख्यमंत्री से प्रार्थना है दसू मिल के, तो भाई हमारे लड़का ला दे, नहीं तो फिर उनका व्यवस्था करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.